तारीख है 4 जून 2022, समय हो गया है 10:37 AM। अभी मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, सत्य हिंदी यूट्यूब चैनल है ये, आशुतोष साहब आपका, आप पहले भी भारत के में कई न्यूज़ चैनल्स में आप ड्यूटी कर चुके हैं, नौकरी करी है आपने, और लंबे समय तक आप न्यूज़ एंकर भी रहे हैं। अभी मैं आपका ये प्रोग्राम देख रहा था, इसमें आपके कुछ पैनलिस्ट हैं आपके, आप खुद हैं आशुतोष साहब, गुरुमलेश जी, नईमा मजूर जी, राकेश कुमार सिन्हा एडवोकेट, अमित रैना जी और सलमान निजामी INC। मैं डिबेट देख ही रहा था तो अमित रैना साहब ने एक सवाल पूछा मुझसे, भारत में जिस प्रकार से ज्विशों का मामला उठाया जा रहा है, क्या ये ठीक है? मैंने सवाल लिख लिया। ये जो आपने डिबेट बनाई सर, ये आपने कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग को लेकर लिखा है, कश्मीरी पंडितों के बारे में। पहला सवाल है मेरा आपसे, कश्मीरी पंडित कौन होता है? एक बात, दूसरी बात, क्या ज्विश कश्मीरी पंडित होते हैं? अब मैं आपके बारे में आप कुछ बातें बता देता हूँ। आप 6 के 6 ज्विश हैं, ये बात खुद अभी 5 मिनट पहले आशुतोष साहब ने एडमिट करी। कश्मीर में ज्विशों का क्या अधिकार है? कश्मीर महाराजा हरि सिंह का था सर, है और रहेगा। महाराजा हरि सिंह एक हिंदू थे, तो हिंदू की संपत्ति पे हिंदू का अधिकार होगा या ज्विशों का या मुसलमानों का या सिखों का, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ज्विश जो है भारत के अंदर इस प्रकार से इतने ज्यादा जो है व्याकुल क्यों है? आप लोग इसराइल की तरक्की के बारे में क्यों नहीं सोचते? किस प्रकार से इसराइल को जो है फिलिस्तीनी संघर्ष से मुक्त कराया जाए, किस प्रकार से इसराइल को सिक्योर किया जाए? आप जानते हैं इसराइल एक ऐसा देश है जो चारों तरफ मुसलमानों से घिरा हुआ है, आए दिन रॉकेट हमले। इसराइल का आसमान जो है कभी भी किसी समय एयर रेड के सायरन से गूंज उठता है। वहां जनता के हालात क्या है? भारत में रह रहे ज्विश इसराइल के मामले वो क्यों नहीं उठाते हैं? खुद यूनाइटेड नेशन के अंदर इसराइल इतना कमजोर क्यों है फिलिस्तीन के मामले में? वेस्ट बैंक को लेकर के इसराइल की लड़ाई आज से नहीं है। फिलिस्तीनियों का कहना है कि वो धरती पर उनसे पहले हैं, इसराइलियों का कहना है कि वो धरती पर उनसे पहले हैं। आप जानते हैं मैं एक हार्ड कोर हिंदू हूं और वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी द मोजेस मेरी है सर, मैं मोजेस का मालिक हूं। मुझे तो मोजेस कैरेक्टर अच्छा लगा, मैंने फिल्म देखी, मुझे उसका मतलब ये थोड़ी कि मैं ज्विश हो गया। आप ब्रांड पूछिए ना, F-35 सीरीज हो, सुखोई हो, आपका क्या कहते हैं बर्ड्स हो, M-29 हो, हरक्यूलिस हो, C-17 हो, सब द मोजेस वाले बनाते हैं। और मोजेस कंपनी जानते हैं किस कंपनी की है? द ओम श्री साईनाथ एडवर्टाइजिंग मेरी कंपनी है। उसमें एक और कंपनी है इनिशिएटर, फ्रेंच वर्ड है इनिशिएटर। भारत के अंदर रह रहे ज्विश अलग अलग धर्मों में आप पाए जाते हैं, इसको हम उन धर्मों के लिए खतरा क्यों ना माने? भारत में रह रहा है ज्विश ज्विश क्यों नहीं है?
क्या जरूरत है उसको अमित रैना के नाम के पीछे छुपने की, कश्मीरी पंडित के? क्या जरूरत है उसको आशुतोष के नाम के पीछे छुपने की? आप जुइश है? क्या जरूरत है उसको सलमान निजामी के नाम के पीछे छुपने की? क्या जरूरत है उसको नईमा मजूर के नाम के पीछे छुपने की? क्या जरूरत है उसको उर्मिलेश के नाम के पीछे छुपने की? क्या जुइश होना शर्मनाक है? क्या आपको अपने आप को जुइश बोलने में शर्म आती है? मुझे तो शर्म नहीं आती अपने आप को श्री राम भक्त बोलने में। मुझे तो, मैं जो करता हूँ मुझे कभी शर्म नहीं आती। हाँ मैं बीफ खाता हूँ, मैंने खाया है। मैं जाता हूँ मुस्लिम ढाबे में बैठना, आराम से बैठ के खाता हूँ। तुझे बुरा लगता है तू जाए यहाँ से। मैं पोक खाता हूँ, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। जो करता हूँ मैं बोलता हूँ, मुझसे मेरा हिंदुत्व कोई नहीं छीन सकता। जब आ ना यहाँ से भाई, क्या बात कर रहे हैं यार। मुझसे मेरी श्री राम भक्ति कोई नहीं छीन सकता। मैं जैसा था वैसा हूँ, वैसा रहूंगा। पूरे विश्व के अंदर आप अपने छद्मावरण के कारण, आप जिस असंतोष, जिस उपद्रव को आप बढ़ावा दे रहे हैं, आपको क्या लगता है कोई इंटेलिजेंस आपको सुन नहीं रही है, देख नहीं रही है? गलतफहमी है आपकी। आशुतोष साहब, सत्य हिंदी न्यूज चैनल के पीछे छुपे हुए ज्यूश, क्या मेरे से ये सवाल करेंगे कि भारत में जिस प्रकार से ज्यूशों का मामला उठाया जा रहा है, क्या ये ठीक है? अब मैं आपसे पूछूं, क्या ये ठीक है कि कश्मीरी पंडित के नाम के पीछे, अमित रैना के नाम के पीछे अब छुपा हुआ एक ज्यूश ये सवाल कर रहा है? पर ऐसी जरूरत क्यों है आपको? क्या आपको अपने देवी देवताओं पे, अपने ईष्ट पे भरोसा नहीं है? क्या आपको उनको उनके द्वारा बताई गई शिक्षाओं पे भरोसा नहीं है? या आपको इज़राइल की ताकत पे भरोसा नहीं है? क्या आप भरोसे लायक नहीं है कि आज भारत में नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो एक ज्यूश है, अपने आप को हिंदू राष्ट्रवादी की छवि में छुपा के ज्यूशों के लिए काम कर रहा है? पर क्यों? ऐसा क्यों सर? ज्यूश मुसलमानों के वेश में बैठ के मुसलमानों की बात कर रहा है, हिंदुओं के वेश में बैठ के हिंदुओं की बात कर रहा है, फिर एक मानवाधिकार की वेश में आके मानवाधिकारों की बात कर रहा है। आप लोग कर क्या रहे हो ये वैसे? आपको अपने अऊर मजदा पे भरोसा नहीं है क्या? या आपको अपने मोजिस पे भरोसा नहीं है? वाह भाई वाह। मैं ये कहता हूं, किस अधिकार से ज्यूश जो है कश्मीरी पंडितों के वेश में कश्मीर में जाके छुप रहे हैं? ऐसे में मैं इसराइल से ये सवाल क्यों ना करूं कि आप भारत में इन ज्यूशों को समझाते क्यों नहीं है? आपने खुद अभी एक्सेप्ट किया, पहले तो सुपरवाइज में सब बोल रहे थे कि भाई क्या कहते हैं वो ज्यूश हैं, अमित रैना साहब, अभी आपने एक्सेप्ट किया कि ये जो है क्या कहते हैं, बोलना मना किया गया आप। ऐसा क्यों? ऐसा कौन सा एजेंडा है आपका? मेरी तो आपको, आप लोगों को सलाह है, आशुतोष जी, उर्मिलेश जी, नई मजूर, राकेश कुमार सिन्हा, एडवोकेट अमित रैना, सलमान निजामी, ज्यादा हो आप इसराइल चले जाओ।
अपने लफड़े इनसे सुलटते नहीं है, समझ में आ गई? और आए हमें समझाने, जाके आप वहां फिलिस्तीन से क्यों नहीं लड़ते? अब अचानक जूस छुपे हुए जूस हिंदू बन गए? वाह भाई वाह। कैसे? आशुतोष जी, अभी आपने एडमिट किया कि आप और आपके साथ दो लोग और हैं, छह लोग तो ये हो गए, आप लोग इन्वॉल्व हो मेरे पैसे को रुकवाने में, पर क्यों सर? आपको कमा के दिखाऊं? आप जानते हैं कि क्या कहते हैं, मैंने बहुत समय पहले नौकरी करना शुरू कर दिया था, उसका कंपनियां बनती गई। अब आप ये जानना चाहते हैं कि ये पैसा कैसे बनाया और छुपाया गया? मैंने तो नहीं छुपाया पैसा, वर्ल्ड बैंक में जुइशों पे गैंगस्टर एक्ट क्यों ना लगे? मेरा सवाल ये है सुदेश जी आपसे, भारत में जुइशों पर गैंगस्टर एक्ट क्यों ना लगे? अब एक और बात पूछना चाहता हूँ, क्या भारत आपका देश है जुइशों? एक बार बोल के दिखाओ बस, इजराइल वाले मारेंगे बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, बाय बाय, अपना ख्याल रखना इजराइल पहुंच के।